सब्सक्राइब करिए टुडे स्पोर्ट टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट बिजनेस और टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलवंत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टुडे स्पोर्ट टिप्स पे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि भारतीय जो हमारी सेना है उसके अंदर पद कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी रैंक होती है। क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम करियर तो बनाना चाहते हैं लेकिन हमें ये पता नहीं होता है कि उसमें कौन कौन सी रैंक होती है, किस रैंक के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए, कौन सी रैंक आपके लिए सही रहेगी। तो दोस्तों उस हिसाब से क्या है कि आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर देने जाना है, तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता ही है कि हमारे जो भारतीय सेना है वो क्या है कि हमेशा हमारी रक्षा के लिए तैयार रहती है। जिस प्रकार क्या है कि कोई कंपनी वगैरह होती है तो दोस्तों उनमें क्या है कि अलग अलग पद होते हैं, अलग अलग उनमें रैंक होती है। जैसे मैनेजर हो गया, कैप्टन हो गया, सुपरवाइजर हो गया, एग्जीक्यूटिव मैनेजर हो गया, तो दोस्तों उस कंपनियों में जैसे अलग अलग उनकी पोशाक वगैरह रहती है, अलग अलग उनको देख के पता चल जाता है कि ये किस रैंक पे है। तो उसी तरह से क्या है कि सेना के अंदर क्या है कि सेना कर्मियों की भी अलग अलग रैंक रहती है, अलग अलग पोशाक होती है, अलग अलग उनके बैज वगैरह होते हैं जिनको देख कर ये पता चल जाता है कि कौन सा सेना कर्मी किस रैंक पर है। तो इसी तरह से दोस्तों कई रैंक होती है इसके अंदर। तो रैंक की बात करें तो दोस्तों रैंक इंडियन आर्मी के अंदर 17 रैंक्स होती है। 17 रैंक्स, 17 रैंक्स में क्या है कि उनके जो भी अधिकार है तो उनके अनुसार उनको बैज वगैरह और पोशाक वगैरह दी जाती है, जो जो उनकी गरिमा और अधिकारों का क्या है कि दर्शाती है। तो इसी तरह से दोस्तों इन 17 रैंक की बात कर लेते हैं दोस्तों, ताकि आपको पूरी नॉलेज अच्छे से समझ में आ जाए और आप अच्छे से अपना करियर के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो दोस्तों करियर भी इसके अंदर आप बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहली रैंक आती है फील्ड मार्शल की। फील्ड मार्शल की बात करें तो दोस्तों फील्ड मार्शल क्या है कि सेना का, भारतीय सेना जो है उसके अंदर क्या है कि सर्वोच्च पद होता था। लेकिन दोस्तों अभी क्या कि वर्तमान के टाइम में ये जो पद है ना ये अभी समाप्त कर दिया गया, यानी कि दोस्तों ये पद अभी नहीं है। दूसरी रैंक की बात करें तो दोस्तों जनरल होता है, और वर्तमान टाइम अभी क्या जो प्रेजेंट टाइम है इसके अंदर क्या है कि ये इस भारत सेना का सबसे ऊंचा पद है, यानी कि दोस्तों सर्वोच्च पद है। इसके बाद दोस्तों आता है तीसरे नंबर की लेफ्टिनेंट जनरल। ये भारतीय जो सेना है उसके अंदर क्या है कि दूसरा ऐसा ऊंचा पद है, यानी दोस्तों सर्वोच्च पद होता है, ठीक है। इसके बाद आता है मेजर जनरल। अब ये जो मेजर जनरल है तो इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, ये जो भारतीय जल सेना होती है या फिर दोस्तों रियल एडमिरल और भारतीय वायु सेना के अंदर एयर वाइस मार्शल की रैंक के बराबर का ही एक रैंक होती है। इसके साथ दोस्तों पांचवें नंबर की बात करें तो दोस्तों वो आती है ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर भी दोस्तों भारतीय सेना के अंदर एक उच्च रैंक होती है। उसके बाद छठी रैंक की बात करें दोस्तों ये आती है कर्नल। ये क्या है कि ब्रिगेडियर से नीचे और लेफ्टिनेंट कर्नल के ऊपर की बीच की उच्च रैंक होती है। उसके बाद दोस्तों सातवीं की बात करें दोस्तों लेफ्टिनेंट कर्नल आता है। भारतीय जो सेना है उसके अंदर क्या है कि लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक के अंदर क्या है कि पद चिन्ह में अशोक चिन्ह होता है, उसके साथ साथ दोस्तों 5 तारा के बीच में अशोक चिन्ह बना होता है। तो दोस्तों उस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आठवीं रैंक की बात करें दोस्तों इस पर आता है मेजर। अब मेजर की बात करें दोस्तों ये कमीशन अधिकारी होता है, और इसे क्या है कि मैनेजमेंट और लीडरशिप की ट्रेनिंग मिली होती है, और ये मिशन को खास बनाने में सहयोग करता है और काफ़ी ज़्यादा खास हिस्सा भी होता है। इसके बाद दोस्तों नौवीं की बात करें दोस्तों ये कैप्टन होता है। कैप्टन के अंदर क्या है कि मेजर की ही तरह क्या है कि कमीशन अधिकारी होता है, और इसकी रैंक क्या है कि मेजर से नीचे की होती है। इसके बाद दोस्तों जो दसवें नंबर की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर आता है लेफ्टिनेंट। ये जो पोस्ट है ना वो क्या है कि कमीशन सेवा के अंदर क्या है कि 13 वर्ष रहने के बाद में ये जो समय सीमा के बाद है ना ये पद जो है प्राप्त होता है। इसके बाद दोस्तों आता है 11वें नंबर पे सूबेदार मेजर होता है। ये सूबेदार जो मेजर होता है इसके पद के अंदर क्या है कि जूनियर कमीशनड अफसर में सबसे उच्च होता है, और इसके पद चिन्ह के अंदर अशोक चिन्ह के साथ 2 लाल पट्टी और एक बीच में पीली पट्टी होती है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये सूबेदार मेजर है। इसके बाद 12वीं रैंक आती है सूबेदार की। सूबेदार क्या है कि बटालियन के अंदर कई सूबेदार होते हैं, और ये सूबेदार जो है जूनियर कमीशनड ऑफिसर होते हैं। इसके अलावा होता है नायब सूबेदार। ये क्या है कि प्रमोशन के आधार पर पद प्राप्त होता है। इसके अलावा होता है हवलदार। ये क्या है कि हवलदार नायक और लांस नायक और ये सिपाही होते हैं। इसके अलावा दोस्तों आते हैं नायक। अब जो नायक होते हैं इनके बेस के ऊपर क्या है कि 2 पट्टी होती है। इसके अलावा दोस्तों 16वीं जो रैंक है वो लांस नायक होती है। लांस नायक जो 2 दफादार वर्दी के अंदर क्या है कि 2 दौरियों वाली पट्टी का निशान होता है। इसके साथ साथ दोस्तों इनकी जो पोस्ट होती है उसकी जो होती है उसके अंदर क्या है कि आयु इनकी क्या है कि 49 वर्ष या फिर 24 वर्ष की सेवा इनमें रहती है। तो जो भी इनकी पहले हो जाती है या फिर 49 या फिर 24 वर्ष पहले हो जाती है तो दोस्तों उनके निर्धारित होती है। उसके बाद जो लास्ट है वो है 17वीं रैंक होती है वो सिपाही।
सिपाही की वर्दी पर क्या है कि कोई भी निशान नहीं होता है, और इनकी क्या है कि सेवानिवृत्त जो भी आयु होती है वो 42 वर्ष होती है, और 19 वर्ष की सेवा जो भी पहले हो जाए उसके बाद ये निर्धारित रहती है। तो इस तरह से क्या है कि कई है ना आर्मी के अंदर है ना जो भारतीय सेना है उसके अंदर कई सारी ऐसी रैंक होती है, उनके बारे में मैंने जानकारी दे दी है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपको पता चल गया होगा कौन कौन सी रैंक किसके अंदर होती है, और आप अभी आपके कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो चैनल सब्सक्राइब बनाना भूलें, क्योंकि मैं आपके सामने ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।